बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पंडित नवल किशोर को क्यों दफनाया गया? उसकी चिता पर कई टीन घी के डाले गए थे, लेकिन चिता आग नहीं पकड़ रही थी। नाजरीन, वो कोई आम हिंदू नहीं था, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम था। इसलिए उसकी चिता को आग ना लगने वाले वाक्य की खबर मिनटों में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग जोग दर जोग शमशान घाट पहुंचने लगे। उसकी जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से बहुत दोस्ती थी। इमाम साहब भी ये वाकया सुनकर फौरन शमशान घाट आ पहुंचे। उन्होंने उसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी इस पर डाल दो, बेहतर यही है कि इसे दफना दो। लिहाजा पहली बार एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। उसकी अर्थी को आग क्यों नहीं लग रही थी? भला उसको आग कैसे जला सकती है जिसने कुरान मजीद का एहतराम मुसलमानों से भी बढ़कर किया हो, वो कैसे? चलिए तारीख के सफ़ों को पलटते हैं। नाज़रीन, तकसीम हिंद से पहले ज़माने में लाहौर के दो इशाती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था और उसके मालिक अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नवल किशोर कुरान पाक की तबात इशात किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था, वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख के हामिल हुफाज इकट्ठे किए और इनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी, वहाँ किसी शख्स हत्ता के खुद नवल किशोर जी समेत लोगों को जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों में चक्कर लगाते रहें। अगर कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी हो ज़मीन पर गिरा हो, तो उसे इंतहाई इज्जत व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करें और फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दें। वक्त गुजरता रहा, तबात इशात का काम जारी रहा। फिर बर्रे सगीर की तकसीम हुई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी भी लाहौर से तर्क सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हसब साबिक कुरान पाक की तबात इशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया। मगर अदब व एहतराम की रिवायात वही रहीं। आखिरकार नवल किशोर जी का वक्त आखिर आ गया। उनकी मौत पर मुल्क के तोलु अरज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिल यकीन वाकया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आँखों से देख रहे थे और हैरान परेशान थे। ये खबर जब जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची, तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा, आप सब लोग अगर पूरे हिंदुस्तान का घी भी ले आएँ, तब भी चिता को आग नहीं पकड़ेगी, क्योंकि इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है, जैसे एहतराम किया है, उसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत व एहतराम के साथ दफना दीजिए।
चुनांचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाकया था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफन कर दिया गया। नाज़रीन, वीडियो को ख़त्म करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम बहैसियत मुसलमान अगर सिद्क दिल से कुरान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता।